हेलो एसबीडब्ल्यूबी गैंग, अजय भैया हियर। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है, अभी हम जिसके लिए रात दिन मेहनत कर रहे थे, मतलब कि जो भी मैथ्स का पेपर है, हम सभी को पता है स्टूडेंट्स, बहुत मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को मैथ्स का ही डर होता है कि भैया हम किस प्रकार से मैथ्स की स्टडी करें जिससे कि हम मैक्सिमम स्कोर कर सके। हम सभी को पता है स्टूडेंट्स, हमारे 3 से 4 पेपर्स अभी बोर्ड एग्जामिनेशन के हो गए हैं और आपको समझ में आ चुका है कि बोर्ड्स की लेवल कैसी हो रही है। एट द सेम वे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्या क्या चीजें पूछे जा रहे हैं वो भी आप सभी को अभी धीरे धीरे एनालिसिस हो रहा है। बट स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है कि मैथ्स जो सब्जेक्ट है ये एक गेम चेंजिंग सब्जेक्ट होने वाला है। स्टूडेंट्स, जब मैं भी मेरे 10th में था, 2015 की बात कर रहा हूँ, When I was in my 10th standard, तो मेरा भी जो मैथ्स का पेपर था, मैथ्स को पेपर को लेके मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता था, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि भाई साहब कौन सा कहाँ से सम आ जाए हमको पता नहीं है। क्या वो प्रॉब्लम सेट से आएगा, क्या वो सॉल्व एग्जाम्पल से आएगा, क्या वो एक्सरसाइज से आएगा, क्या वो अपेक्षित में से आएगा, या फिर कोई PYQ से आ जाएगा, हमें कोई भी भरोसा नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं कुछ आज ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिससे कि आपका आधा स्ट्रेस कम हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, सभी को एक ही चीज बताऊंगा कि स्टूडेंट्स, आपके भैया ने 2015 में मैथ्स में 95 मार्क्स मैंने स्कोर किया था 100 में से, तो आई एम द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू अमॉन्ग दिस कि आपको किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मैथ्स को डील अप करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, इस वीडियो को टारगेट रखता हूं मैं 3000 लाइक्स, फटाफट से 3000 लाइक्स, और अपने स्कूल के ग्रुप्स में, दोस्तों के ग्रुप्स में फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर देना है। ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लूंगा। बैक टू द टॉपिक। सबसे पहले स्टूडेंट्स, कभी भी ध्यान में रखना, हम सभी को पता है कि हमको 6 से 7 चैप्टर्स ज्योमेट्री में और अल्जेब्रा में हमको दिए गए हैं। अल्जेब्रा में 6 चैप्टर्स है, ज्योमेट्री में 7 चैप्टर्स है। अभी उन 6 और 7 चैप्टर्स को अगर मैं डिवाइड करूं 2 ग्रुप्स में, एक में डिवाइड करता हूँ सिंपल ग्रुप्स में और दूसरा में डिविजन करता हूँ हार्ड ग्रुप में। अभी अच्छे से समझना भैया क्या क्या चीजें बता रहे हैं। सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे पहले अलजेब्रा को हाथ लगाएंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो भी बच्चे पहले अलजेब्रा को हाथ लगाएंगे वो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी चैप्टर, स्टैटिस्टिक चैप्टर्स और लीनियर इक्वेशंस, ये 3 चैप्टर्स आपको एकदम, मतलब एकदम अच्छे से करके रखना है। सबसे पहले चीजें ध्यान में रखना, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और लीनियर इक्वेशन। प्रोबेबिलिटी जो होता है स्टूडेंट्स, वो पूरा की पूरा कंसेप्ट पे डिपेंडेंट होता है, तो कंसेप्ट उसकी देख लेना। जो स्टैटिस्टिक्स होता है, वैसे लाइव सेशंस होने वाले हैं तो टेंशन ले मत, जो स्टैटिस्टिक्स है स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक्स इज टोटली बेस्ड ऑन द फॉर्मुलेज। अगर आपको मोड, मीडियन वगैरह के फॉर्मुलेज पता होंगे, स्टेप डिविएशन मेथड, अज्यूम मीन मेथड, उनके फॉर्मुलेज आपको पता होंगे, तो आप आराम से स्टैटिस्टिक्स जैसे चैप्टर में आप आराम से मार्क्स गिरा सकते हो। After that, students, जो linear equations है, जो पहला चैप्टर हमको दिया गया है, ये टोटली आपके बेसिक नॉलेज पे डिपेंड होगा। मतलब arithmetic जो बेसिक नॉलेज होता है, मतलब इधर मल्टीप्लीकेशन है तो इधर जाने के बाद क्या होगा, डिविजन होगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा, x की वैल्यू कैसे ढूंढते हैं, y की वैल्यू कैसे ढूंढते हैं, वो अगर बेसिक चीजें आपको आती होगी तो आप आराम से स्टूडेंट्स बोर्ड्स के पेपर में अगर आप ये 3 भी चैप्टर्स परफेक्ट करते हो तो 20+ मार्क्स आप गिरा लोगे, भैया की गारंटी है। बस ये 3 चैप्टर्स एकदम परफेक्टली कर लेने हैं। सबसे पहले देखो, जैसे ही हिंदी का पेपर हो गया होगा जिन भी बच्चों का, तो ध्यान में रखना आधे से एक दिन के अंदर अंदर ये 3 चैप्टर्स आपको एकदम परफेक्ट करके रखने हैं। कैसे करोगे मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, सपोज आपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर उठाया, ठीक है, आपने कौन सा चैप्टर उठाया, प्रोबेबिलिटी चैप्टर उठाया, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से सुनना, सबसे पहले आपको एक्सरसाइज पूरी आती है क्या देख लो, फिर उसके बाद आपको सॉल्व एग्जांपल्स आते हैं क्या देख लो, फिर उसके बाद उनके जो प्रॉब्लम सेट होते हैं क्या ये आता है, अगर ये तीनों चेक हो गए, ठीक है, अगर ये तीनों चेक हो गए, पहले तो ये तीनों आपको एकदम अच्छे से करके रखना है, एक्सरसाइजेस, सॉल्व एग्जांपल्स और प्रॉब्लम सेट, ये तीनों अगर चेक हो गए। अभी मैं बोल रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स को कि भाई देखो, एक्सरसाइज का ऐसा जरूरी नहीं है हर एक सम सॉल्व करो, अभी हर एक सम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ना ही ये समय है। आपको क्या करना है, एक्सरसाइज में से अगर वो सम आता है तो उसको पढ़ लो, जो नहीं आता है बस वही ट्राई करना, सॉल्व एग्जाम्पल भी पढ़ लो, जो नहीं आता है उसको ही ट्राई करना, प्रॉब्लम सेट भी पढ़ लो, जो नहीं आता है उसको ही ट्राई करना। जैसे ही ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, PYQ सॉल्व करना है। अभी PYQ के लिए भैया जो होने वाले वो लाइव स्ट्रीम लेने वाले, तो PYQ का जो भी चीजें होगी वो आप किस पे छोड़ दो, वो आप आपके अजय भैया पे छोड़ दो, मतलब मेरे पे छोड़ दो। अभी और एक चीज आपको करनी है, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इन चैप्टर्स के चैलेंजिंग क्वेश्चन पे फिर जाना है, ठीक है, जो चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं 3 से 4 मार्क्स के। अभी वो कहां से करोगे, देखो वो आपको करना है अपेक्षित में से, नवनीत का जो 21 सेट होता है वहां से, वो बुक आपके पास नहीं होगी तो स्टूडेंट्स, शाह कोचिंग क्लासेस एप्लीकेशन है,
उस एप्लीकेशन पे जाओ, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल में आपको मैथ्स वन, मैथ्स टू, साइंस वन, साइंस टू के अपेक्षित फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है, 2023 के, बट ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, दो दो तीन तीन सम्स ही ऐड होते हैं, समझ गए सबको, एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जांपल, प्रॉब्लम सेट, फिर पीवाईक्यू जो होगा भैया लाइव स्ट्रीम में ले लेंगे, और चैलेंजिंग जो क्वेश्चन होंगे वो अपेक्षित में से आपको कर लेना, अपेक्षित नहीं होगा तो शाह कोचिंग क्लासेस में चले जाना। उसके बाद सेम यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन, ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस थ्योरम। अभी आप बोलेंगे भैया ट्रिग्नोमेट्री को आपने इजी में कैसे डाला, देखो स्टूडेंट्स अगर मैं बाकी के कंपैरिजन की बात करूं, मतलब सर्कल की बात करूं, मेंसुरेशन की और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं, तो स्टूडेंट्स इनके अगर कंपैरिजन में जाऊं तो ट्रिग्नोमेट्री इजी है क्योंकि दो ही एक्सरसाइज है। जाहिर सी बात है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बस और बस किस में प्रॉब्लम आता है, विच इज अपने क्या बोलते हैं प्रूव दैट में प्रॉब्लम आता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स की प्रूव दैट के जो सम्स है उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो और जो जो चीजें मैंने बताई है वो करना। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, डू दिस फर्स्ट, आपको पहले ये जो चैप्टर्स है मतलब ज्योमेट्री के जब पेपर होगा तब आपको करना है, लेकिन अलजेब्रा का अभी पेपर है आपका तो प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और लीनियर इक्वेशन, ये तीनों चैप्टर्स फटाफट से निपटा लेना। समय ज्यादा मिल रहा होगा तो कंस्ट्रक्शन, ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस थ्योरम में निपटा देना क्योंकि हम सभी को पता है कि ज्योमेट्री को हमारे पास बस एक ही दिन है, क्लियर है। उसके बाद ध्यान से सुनो, जो हार्ड चैप्टर्स है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अगर मैं सबकी टैली करूं, फाइनेंशियल प्लानिंग और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मैं आपको बोलूं स्टूडेंट्स आप एक चैप्टर स्किप कर सकते हो तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बस फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या होते हैं स्टूडेंट्स एक मार्क के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, तो फाइनेंशियल प्लानिंग के जितने भी अपेक्षित में से एक मार्क के क्वेश्चंस होंगे वो एक मार्क के क्वेश्चंस आप कर लेना, या फिर आप बाकी के चैप्टर स्किप कर, देखो पूरे इसमें से आप एक चैप्टर आप स्किप कर सकते हो भले ही वो अलजेब्रा हो या फिर ज्योमेट्री हो, बट एक चीज ध्यान में रखना स्किप आप तभी कर सकते हो जब आपको बाकी के सभी चैप्टर्स एकदम अच्छे से परफेक्ट है, उसके आप सॉल्व एग्जांपल भी कर रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, अपेक्षित भी कर रहे हो और प्रॉब्लम सेट भी कर रहे हो, तभी जाके होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा है, जिस सर्कल है, मेंसुरेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट सर्कल में से थ्योरम्स आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इनस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ये थ्योरम्स करके रखना, आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। अभी सबसे मेन चीज ऑफिशियल वेटेज की ध्यान लो। देखो स्टूडेंट्स ये भले ही ऑफिशियल वेटेज है लेकिन इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है कि प्लस फाइव माइनस फाइव हो सकता है, मतलब कि पांच मार्क का ज्यादा भी आ सकता है, पांच मार्क का कम भी आ सकता है, तो ये दिमाग में रखना। अभी अलजेब्रा का ऑफिशियल वेटेज देखो, देखो स्टूडेंट जो भी बच्चों को कुछ भी नहीं आता है प्लीज इस पे ध्यान दे देना, अगर आपने बस लीनियर इक्वेशन कर लिया, अगर आपने बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लिया और अगर आपने बस क्या कर लिया, विच इज स्टैटिस्टिक्स कर लिया, जिसमें आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, सॉल्व एग्जांपल भी कर रहे हो, अपेक्षित भी कर रहे हो और प्रॉब्लम सेट भी कर रहे हो, तो भी आपको 36 मार्क मिलेगा। अभी मैं पकड़ के चलता हूं कि भाई 36 नहीं तो नहीं, 6 मार्क का बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं डालेंगे, तभी भी स्टूडेंट्स आप 40 में से 30 मार्क तो ले सकते हो। ऑफिशियल वेटेज क्या कहता है कि लीनियर इक्वेशन को 12 मार्क हम दे रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 12 मार्क दे रहे हैं और स्टैटिस्टिक्स को 12 मार्क दे रहे हैं। अभी मैं एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि भाई मैं 5 मार्क कम भी कर देता हूं, तो 36 में से अगर मैं 6 मार्क्स भी कम कर दिया तो भी मैं 30 प्लस मार्क ले सकता हूं आउट ऑफ 40 के पेपर में। तो जो भी नमूने बच्चे होंगे जिनको मैथ्स का एम भी नहीं आता है, तो उन सभी बच्चों से एक ही निवेदन है, लीनियर इक्वेशन के एक्सरसाइज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज, स्टैटिस्टिक्स के एक्सरसाइज, उनके सॉल्व एग्जांपल्स, उनके अपेक्षित और उनके प्रॉब्लम सेट, अगर आपने बस ये तीन भी चैप्टर कर दिए भाई तो 30 मार्क्स आप ले लोगे भैया के गारंटी पे जाना, ठीक है। देखो स्टूडेंट जो भी मैं बोलता हूँ ऐसा हवे में नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा चीजों को एनालिसिस करने के बाद मैं ये चीज बोलता हूँ। ऑफिशियल वेटेज क्या कहता है, लीनियर इक्वेशन को 12 मार्क, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 12 मार्क, स्टैटिस्टिक्स को 12 मार्क। अभी मैं पकड़ के चलता हूँ ठीक है भाई 12 12 12 नहीं भी दिए, मैं पकड़ के चलता हूँ 12 12 12 नहीं भी दिए, 10 10 10 ही दिए, तो भी स्टूडेंट्स आप 30 मार्क्स गेन्स कर सकते हो और प्रोबेबिलिटी तो आपको आता ही है, इजी चैप्टर है, तो आप आराम से 35 तक आप आराम से जा सकते हो अगर आपने मेरी स्ट्रेटजी फॉलो की तो, नहीं तो भाई गए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों की भी हेल्प करो। सेम स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे ज्योमेट्री की बात करूं, सिमिलैरिटी सर्कल और मेंसुरेशन, जैसे 10 मार्क सिमिलैरिटी को देते हैं, सर्कल को 12 मार्क देते हैं और मेंसुरेशन को 10 मार्क। अभी ध्यान से सुनना, इन दोनों चैप्टर में से एक तो भी थ्योरम आपको कंपल्सन आएगा, मतलब आएगा जो कि 3 मार्क का, अगर हम इन तीनों को भी टैली करें 32 मार्क हो गया। आप कंस्ट्रक्शन तो करने ही वाले हो तो कंस्ट्रक्शन कर लिया, पाइथागोरस थ्योरम तो सिंपल है ही, आपने वो कर लिया तो इसके आप पकड़ के चलो 12 मार्क, मतलब स्टूडेंट्स आप नहीं भी करें तो भी आप 35 मार्क्स बस ये पांच चैप्टर करके कर सकते हो, दो चैप्टर आपने स्किप भी कर दिए तो भी चलेगा।
तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो जो चीजें बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, प्लीज उसको शिद्दत से फॉलो करो। बट एक चीज ध्यान में रखना, जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ, ये तीनों चारों चीजें आपको करनी है। क्या? सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करनी है, फिर उसके बाद आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स करने हैं, फिर उसके बाद आपको नवनीत की अपेक्षित लगानी है क्योंकि उसमें से बहुत सारे सम्स आते हैं, फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम सेट आपको करना है। इतना अगर आपने चार कर लिया और भैया के साथ आपने लाइव स्ट्रीम में पीवाईक्यू कर लिया, तो आप सभी को मैं बोलता हूं धागा खोल दोगे। जैसे भैया ने मार्क्स गिराए उससे ज्यादा मार्क्स गिरा लोगे। मैंने जैसे 95 मार्क्स गिराए हैं आउट ऑफ 100, आप आराम से 95 प्लस मार्क आप गिराओगे, आराम से गिराओगे, भैया की गारंटी है। हर साल मैं बच्चों को बहुत सारे गाइडेंस देता हूँ, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट्स के बेसिस पे ही मैं सभी चीजें आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो इज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। जो भी चीजें मैंने बोले हैं नोट डाउन आपने कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो पीछे वापस जाओ, जो जो चीजें मैंने बोले हैं सिंपल चैप्टर्स, हार्ड चैप्टर्स वगैरह करो। और स्टूडेंट्स, आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, टिल देन मचाते रहो, फोड़ते रहो, बाय एवरीवन। और जाते जाते इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेना, ये जरूर।